ये 2 TB की हार्ड ड्राइव 5000 रुपए की है और ये सिर्फ 1 TB की SSD 10000 रुपए की है। स्टोरेज आती फिर भी पैसा डबल, ऐसा क्यों? ये हार्ड ड्राइव एक 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, एक डिस्क हमेशा घूमती रहती है और ये गिर कर बहुत इजीली डैमेज हो सकती है। वहीं पर ये SSD एक नई टेक्नोलॉजी है, एक मेमोरी कार्ड जैसे, इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते, बहुत ही कॉम्पैक्ट और छोटे साइज की होती है कंपेयर टू हार्ड ड्राइव। इस हार्ड ड्राइव में 1 GB की फाइल कॉपी करने में मुझे 37 सेकंड लगे, वहीं पे इस SSD में सिर्फ 1 सेकंड लगा। इसीलिए अगर आपको सिर्फ डेटा स्टोर करके रखना है तो ये ड्राइव रिकमेंडेड होती है, पर अगर आपको कोई लाइव टास्क करना है जैसे गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग तो हमेशा SSD में इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी एक और चीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वो टेकिला का फॉलो बटन, जहां पे आपको रोज ऐसी काम की चीजें सीखने को मिलेंगी।